मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो बीजेपी नेताओं के बीच सियासी ड्रामा की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार यहां के एक टाटा के शोरूम को लेकर भाजपा के दो नेताओं के बीच बड़ा बवाल हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को मामला संभालने के लिए मैदान में आना पड़ा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा ड्रामा बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुंद्रल और बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बीच हुआ है। वहीं अगर आपको ये पूरा मामला बताए तो जानकारी के मुताबिक टाटा कंपनी के कुछ अधिकारियों ने यहां पे कार शोरूम खोला था। इस शोरूम को भाजपा जिला के उपाध्यक्ष दिलीप मुद्रल के भाई से किराए पे लिया गया था। कंपनी अब यहां से अपना शोरूम हटाकर कहीं दूसरी जगह जाना चाहती है, पर किराए के विवाद में भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुद्रल उनके छोटे भाई ने शोरूम पे ताला डाल दिया। यही नहीं, कंपनी का सामान भी अपने कब्जे में कर लिया। इसी बीच जब इस बात की जानकारी कंपनी के अधिकारियों को लगी तो कंपनी के अधिकारियों ने पिछोर विधायक प्रीतम लोधी को इस बात की जानकारी दी। प्रीतम लोधी उनके साथ उस शोरूम के पास गए। उन्होंने यहाँ पे लगे ताले को तोड़ दिया। इसे कंपनी ने फिर से अपने अधिकार में ले लिया। कंपनी ने शोरूम में रखे अपने सामान को भी कब्जे में लेकर शोरूम खाली कर दिया। वह इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा ड्रामा रात भर चला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।